दोस्तों एक भाई का सवाल आया था कि सर हम अपने ईएमआई के स्टेटमेंट को कैसे निकाल सकते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड में। तो आपको दोस्तों स्टेटमेंट को निकालने के लिए ईएमआई का आपको सबसे पहले एसबीआई कार्ड ऐप को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आपने इस ऐप में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप सिंपली दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद जब आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू अकाउंट डिटेल्स का, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कार्ड स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको ये होगा। इस स्टेटमेंट में दोस्तों आपको कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके इस बैंक क्रेडिट कार्ड पे कितनी ईएमआई चल रही है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो जो ईएमआई चल रही हैं उनमें से आपने कितना पे कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को निकालने के लिए डाउनलोड करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट होगा ये करंट का स्टेटमेंट होगा, दोस्तों जिस दिन आपका बिल जनरेट होगा आपका उस दिन का होगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको ये ऑप्शन होगा डाउनलोड स्टेटमेंट का, आपको सिंपली दोस्तों इसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डाउनलोड स्टेटमेंट क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपका जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपको इसका इंटरफेस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हम जस्ट वंस कर देंगे और ये दोस्तों पीडीएफ फाइल जो है मेरी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह से मेरा जो स्टेटमेंट है वो दोस्तों ओपन हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आपको किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने स्टेटमेंट को अपने मेल पर मंगाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस केस में क्या होता है जब आप ऐप से डाउनलोड करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे दोस्तों मुझसे कोई भी पासवर्ड यहाँ पे नहीं मांगा गया। आप यहाँ पे ईएमआई की जो भी डिटेल्स है वो आप इसी स्टेटमेंट से चेक कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ पेमेंट रिसीव हुई हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 3 ईएमआई चल रही हैं। आप देख सकते हैं ईएमआई 1, ये मेरी 1 है ईएमआई। ठीक है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पर समझाऊँगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखना है ताकि दोस्तों आप समझ पाएँ कि ईएमआई को हम कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पे एफपी करके लिखा हुआ है, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो मेरे केस में दोस्तों क्या है, मेरे कार्ड के ऊपर 3 ईएमआई को मैंने चला रखा है। दोस्तों मेरे कुछ ट्रांजेक्शन थे जो कि मैंने 3 बार ईएमआई में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जैसे एक बार 10,000 को कन्वर्ट किया, एक बार 5,000 को कन्वर्ट किया, एक बार फिर 20,000 को कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से मेरे कार्ड के ऊपर 3 प्रकार की ईएमआई चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे मेरे कार्ड के ऊपर यहाँ पे 1, 2, 3 ईएमआई हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि मेरी जो ईएमआई चल रही हैं इनमें से मेरी कितनी ईएमआई पे हो गई हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब पहली ईएमआई में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 09/09। इसका दोस्तों मतलब ये है कि 9 ईएमआई मैंने कन्वर्ट की थी, कि 9 मंथ की जो ईएमआई थी 9 ईएमआई में मैंने कन्वर्ट किया था, तो वो 9.5 ईएमआई मेरी पे हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। दूसरे में आप देखिए तो यहाँ पे 05/06 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 6 मंथ की ईएमआई मैंने कन्वर्ट की थी, वहाँ पे मैंने 5 ईएमआई पे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद और नीचे देखेंगे हम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 03/24। तो यहाँ पर मैंने 24 मंथ की ईएमआई में कन्वर्ट किया था, जहाँ पर 3 ईएमआई मेरी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि मेरे कार्ड के ऊपर कितने ईएमआई चल रही हैं और उन ईएमआई में मैंने कितनी ईएमआई पे कर दिया है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरी ये 24, मैंने 24 ईएमआई कन्वर्ट किया था इसमें। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ईएमआई 24 महीने में ही पूरी करें। तो अगर आप चाहें तो इस 24 मंथ की ईएमआई को आप जल्दी भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट है, मान लेते हैं 24 मंथ की ईएमआई का आपका कुछ पेमेंट होता है। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए कि आपका 24 मंथ की ईएमआई का टोटल जो बैलेंस है वो 1,000 रुपये है।
ठीक है। ये 24 मंथ की ईएमआई का आपका 1000 रुपये है, ये दोस्तों मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है आपका। तो अगर मैं 1000 रुपये को एक ही बार में पे कर दूँगा तो मेरी 24 ईएमआई अभी पे हो जाएंगी, ठीक है। आप समझ होंगे आई होप, कहने का दोस्तों मतलब ये है, मान लेते हैं 10000 मुझे ईएमआई में पे करना है 24 मंथ में, तो अगर मैं उस 10000 को आज ही पे कर देता हूँ तो मेरी 24 का ईएमआई जो है वो आज ही क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ईएमआई स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के, आपको ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरे कार्ड के ऊपर कितनी ईएमआई चल रही हैं, और उसके बाद ये भी देख पाएंगे कि उनमें से कौन कितनी ईएमआई मैंने पे कर दिया है, ठीक है। तो इतना आसान तरीका है कि आप लोग अपने ईएमआई के स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से ओपन करके सारी जानकारी को दोस्तों देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों, बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।